तो वेलकम आपको मेरे चैनल पे। आज यस बैंक में देख सकते हैं तो बहुत अच्छा खासा और स्टॉक 190 लेवल 190 के लेवल को अच्छे खासा क्लोज करके वहां पे खड़ा था। तो जो ये रेंज था 187-190 का वो बाहर निकल चुका है। तो अगर ये अब जो दिखता है, जो अब इसमें स्ट्रेंथ है, उसे ये लगता है कि एक बार ये 222-225 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और हो सकता है एक बार ये 245-247 के लेवल को भी टच करके आपको दिखाए। आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो 5 करोड़ अच्छा खासा है, 8 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 44 लाख, तो सॉलिड वॉल्यूम हो रहा है। और वॉल्यूम के साथ साथ अगर डिलीवरी भी देखेंगे तो डिलीवरी भी थोड़ी बड़ी है, बहुत तो नहीं फिर भी बड़ी है इसमें डिलीवरी, 20-25% से हो रही है डिलीवरी। तो ये एक अच्छा, आज की आज देखेंगे, आज 15 तारीख को देखेंगे तो ये 203 रुपये पे क्लोजिंग दिया है NSE पे। ये अपना जो लो बनाया 196 का बनाया, ओपन हुआ प्रीवियस क्लोज 195 पे था, तो ओपन हुआ 196.50 पैसे नीचे गया और हाई बनाया 205 और 203 पे क्लोजिंग दिया, अपने अपने हाई पे ही क्लोज दिया इसने। तो ये एक अच्छा पैटर्न है। चार्ट पे भी जा करके अगर देखें तो आप देखेंगे जब ये क्लोज दिया है, ये अपने हाई पे ही दे रहा है क्लोज, और एक देखिए ये गैप अप करके ओपन होता है और गैप अप तोड़ता नहीं है नीचे। आप जब ये हाई देखेंगे तो इसका जो लो बना था वो बना था 182.30 और इसका जो लो बन रहा है वो 196, तो 82 से 96 समझिए कितना रुपया का डिफरेंस है, तो 14 रुपये के लगभग का आसपास डिफरेंस है। तो एक अपर हाई लगाने को तैयार है। और अगर ये बात करूँ तो ये इसने अभी जो रिसेंटली है वो अपने 50 डेज के डेमा को क्रॉस किया है और अब ये 225 के इस लेवल को टच करने के लिए तैयार है जो कि इसके 100 दिन का डेमा है और यहाँ के बाद 245। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी अब 225 और 245 दिखा सकता है। उसका एक रीजन और भी है, आज जो न्यूज़ पूरा छाया रहा उसका एक रीज़न ये था कि एक तो इनकी जो यस बैंक की प्रॉफिट है, जो सारे खान ने प्रेडिक्शन दिया है, वो क्वार्टर थ्री की जो प्रॉफिट आएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% बढ़ के आएगी, एक तो ये रीजन था। और दूसरा क्या था, यस बैंक जम्प्स 5% डच रवनीत गिल लीड्स रेस फॉर द सीईओ पोजीशन। जो डच बैंक के हैं रवनीत गिल जी और RBI ने अभी रिसेंटली 6 महीना पहले ही इनको ओके किया है डच बैंक के लिए, 6 साल से ये डच बैंक में है, तो इस पोजीशन के लिए भी मुझे लगता है ये सबसे रेश में है। अगर ये आते हैं तो मार्केट को एक अच्छा खासा, और आप देखिए खुद लिखा है यस बैंक जम्प्स 5%, तो इस न्यूज के दम से भी आप देखेंगे तो थोड़ा इसमें मनी में इसमें अपसाइड आया। CNBC TV18 कोटिंग अननेम्ड सोर्स सेड रवनीत कैंडिडेशन में गेट शिफ्ट अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इट हैड गॉट रिन्यूअल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक 6 मंथ्स एगो एट डच बैंक। डच बैंक के लिए 6 महीना पहले ही ये CNBC 18 का ऐसा कहना मानना है कि डच बैंक में जो अभी काम कर रहे हैं रवनीत जी, जो कि 6 महीना पहले ही अप्रूवल उनको मिला है, वो कैंडिडेचर में सबसे आगे निकल रहे हैं। तो हो सकता है इनको आपको यहाँ के लिए CEO के लिए पोजिशन के लिए Hence, due diligence time may reduce for RBI to decide, so said it. Ravneet Gill has led Deutsche Bank in India for over 6 years. Now, he has over 30 years of experience across the bank function. तो रवनीत जी जो हैं डच बैंक के हैं, गिल डच बैंक में लीड कर रहे हैं और उनको बैंक सेक्टर में 30 साल, डच बैंक में 6 साल और ओवरऑल 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको। दूसरा जो नाम है रजत मोंगा, सीनियर ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट यस बैंक, इज द नंबर 2 कैंडिडेट CEO पोस्ट एट द कंट्रीज लार्जेस्ट फोर्थ सेक्टर लेंडर। तो रजत मोंगा जी जो है, जो उस कंपनी के सीनियर प्रेसिडेंट है, वो एक सेकेंड नंबर पे है। लास्ट वीक द बोर्ड हैज फाइनलाइज नेम्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO एंड सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया January 10 सीकिंग अप्रूवल। ऑलरेडी 10 जनवरी को जिसका भी नाम रजत मोंगा हो, चाहे रवनीत जी हो, जिनका भी नाम हो, उसका कैंडिडेचर के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन 10 जनवरी को कर दिया गया है। ये कभी भी आपको मीडिया में बाहर आ जाएगा। The board is expected to announce MD and CEO once the RBI clears the appointment. clear the appointment. अगर RBI clear करता है तो तुरंत हो जाएगा। January 31st
इज द लास्ट डेट फॉर राणा कपूर एमडी एनसीओ। और चूंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो उसके पहले आपको या तो रजत मोंगा या रवनीत जी जो भी होंगे पहले डिसाइड हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो रवनीत जी हैं मोस्ट प्रोबेबली वही आने के चांसेस है, ऐसा कोट कर रहा है सीएनबीसीएटी। मैं नहीं कर रहा, कोट कर रहा सीएनबीसीएटी लेट। द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, द बैंक हैज नॉट रेस्पॉन्डेड सीएनबीसीएटी। और बोर्ड जब ये बात सीएनबीसीएटी ने बात की तो उस बोर्ड ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऑन लास्ट फ्राइडे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रह्मदत्त एज पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर द बैंक्स बोर्ड अप टिल जुलाई 4, 2020। पार्ट टाइम तब तक के लिए ब्रह्मदत्त जी को ऑलरेडी आपको कर दिया गया चेयरमैन के रूप में, पार्ट टाइम के लिए ब्रह्मदत्त जी काम कर रहे हैं। ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक विल हेल्ड बाय जनवरी 24 टू कंसीडर अनलिस्टेड फाइनेंस बैंक। तो 24 को ये अनऑडिटेड बैलेंस शीट होगा जिसपे सारे खाने प्रोडिक्शन दिया है 10% प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बढ़ के आएगा। तो 24 के पहले आपको लगता है कि वो एक बार 245 तक का रैली दिखा के आ सकता है। तो यस बैंक में होल्ड अभी कर सकते हैं जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो भी बाय पोजीशन शायद बना सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। लेकिन मुझे इससे पॉजिटिव दिखता है, इनफैक्ट वेटेड एवरेज वॉल्यूम पे भी जब मैं जाऊँ तो वहाँ पे भी पॉजिटिव दिख रहा है। जहाँ वेटेड एवरेज 202.34 रुपये की क्लोजिंग बताता है, वहाँ 203 रुपये की क्लोजिंग भी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप चार्ट पे भी जाएं, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे भी जा करके देखूं, तो आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे एक अपसाइड का ही पैटर्न बना है। वहां पे आप देखेंगे तो ये 15 तारीख को एक बार जब ये अप लिया है तो ये अपसाइड ही फॉर्म करके ऊपर बैठा हुआ है, नीचे आने को वो तैयार नहीं था। और इसको 30 मिनट के कैंडल पे भी लें तो ये अपने इस को जो है मींस 9 कैंडल्स को ऊपर ही रहा, जब भी रहा 9 कैंडल जो इसका मूविंग जो 9 आवरली या 15 मिनट्स का ये 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट से 9 प्रीवियस कैंडल के ये ऊपर ही मेंटेन कर रहा, कभी भी ये लो टच नहीं किया, ये लो जो इसका 200 था इसको तोड़ा नहीं और ये अभी भी ऊपर मेंटेन कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये मेंटेन करेगा और आपको एक बार 225-245 आपको शायद दिखाएगा। और अगर मैं इसको एक बार डेरिवेटिव में भी देखने की कोशिश करूं यस बैंक को, तो एक बार डेरिवेटिव चार्ट पे इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ये है आपका 31 जनवरी का है, 203 की है क्लोजिंग है और आज है 15 तारीख। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल पे हर लेवल पे यहाँ पे 200 पे भी अनवाइंडिंग हो रही है और अब 205 पे एडिशन हुआ, आज ही 205 पे 18,76,000 का कॉल ऐड हो रहा है। ऊपर 210 पे अनवाइंडिंग हुआ, 215 पे एडिशन हो रहा है और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 225 पे भी एडिशन हो रहा है और हर पोजीशन पे धीरे 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 जो शॉर्ट कवर शॉर्ट किए हुए थे वो अभी कवर कर रहे हैं अपने। और ऊपर तो 220 तक तो इसमें जो चाहे जो 225 की बात हो रही है, 225-220 तक तो जा सकता ही है ये। यहाँ पे एक अनवाइंडिंग हो रही है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और 250 पे भी 24 लाख का कॉन्ट्रैक्टेड है सबसे हाईएस्ट। 35 लाख का आपका 220 पे है और यहाँ पे है 245 पे आपका 24 लाख का। तो एक बार अगर ये 205 क्रॉस करता है तो आपको ऊपर जाने के लिए 220 पे ही आके रुकेगा 35 लाख का। और 35 लाख के क्रॉस करने के बाद 220 अगर क्रॉस करता है तो वो फिर आपको यहाँ पे 240 पे 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और 245-250 तक को दिखा सकता है। यही पोजीशन आपको यस बैंक पे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है जब आप डेली चार्ट पे इसको जा रहे हैं कि अगर ये अपने 225 को क्रॉस करता है, इसको 225 को क्रॉस करता है तो 245 जाने को तैयार है। और यही पोजीशन आपको डेरिवेटिव में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखें तो 200 पे भी कॉल राइटिंग चालू हो गई, 205 पे भी कॉल राइटिंग है, 210 पे भी कॉल राइटिंग है, 220 पे भी कॉल राइटिंग हो रही है, 225 पे अनवाइंडिंग है
तो 220 तक पे तो कॉल राइटिंग बताया जा रहा है। तो अभी से और हाईएस्ट देखेंगे आप तो 16,200, 190 पे 21 और 180 पे 38 लाख। तो 180 तो अभी टूटने वाला है नहीं, नीचे जाएगा नहीं 180 के, ये पूरे महीने भर नहीं जाएगा। और 190 और 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है इसको। और ये फर्दर जो आज सबसे ज़्यादा पोजीशन बनाया है वो 200 और 205 पे बनाया है, मीन्स 200 और 205 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है इसको। अब ये इस पे जाने को तैयार नहीं है। और 205 एट द मनी जो है 203 एट द मनी 205 पे देखें तो 18 लाख कॉल के साइड में ऐड हो रहा है और 4 लाख हो रहा है पुट के साइड में। 18 लाख के साथ ही 205 पे आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 27 लाख हो गया और 210 पे देखेंगे तो 73 लाख का है। तो हर तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको अप टू 240 तक तो अच्छा रास्ता दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही पोजीशन बता रहा है 225 और 245 इस, और आपको यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव में भी बता रहा है, चार्ट में भी बता रहा है। और अगर इसके वीकली चार्ट पे जाएं तो वीकली चार्ट में भी लगभग यही दर्शा रहा है कि 220 क्रॉस करता है जो कि 21 दिन का डेमा है, तो वीकली डेमा है, तो 263 पे जाके ये कोशिश करेगा टच करने की। वो वहाँ पे डेरिवेटिव में 245 आ रहा था, डेली बेसिस पे 245 आ रहा है और यहाँ 263 आ रहा है। तो अल्टीमेटली 220-225 क्रॉस करता है तो आपको 250-260 एटलीस्ट 245 तो देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट टारगेट 220-245 के लिए आप तैयार रहें। मोस्ट वेली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट 23 तारीख को अगर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो आपको उसके पहले आपको हो सकता है कि वो आपको देखने को मिल जाए। और अगर ये बता रहे हैं कि इनको जो प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहा है इसका आप देखेंगे तो अक्टूबर टू दिसंबर जो सारे कहेंगे एस्टिमेट है ब्रोकरेज हाउस यस बैंक रिपोर्ट 41% इसमें जो है नेट इंटरेस्ट इनकम जो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 41 नेट इनकम इंटरेस्ट जो है 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो 10% अप हो जाएगा। और प्री प्रोविजन प्रॉफिट देखेंगे इज लाइकली टू राइज बाय 32%। एक अच्छी बात है, देखिए आपको इसका रिजल्ट आने दिए 21 या 22 को इसका रिजल्ट है। तो वहाँ पे जब आता है रिजल्ट तो बोर्ड मीटिंग जो यहाँ पे बताया गया आपको यहाँ पे टू डिस्कस करने के लिए बोर्ड मीटिंग का डेट दिया हुआ है 24 को ही शायद था। तो देखते रहिए, लेकिन कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। मेरे कहने से सिर्फ पोजीशन नहीं बनाएंगे मार्केट में, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे जो भी एडवाइस दिया था वो एजुकेशनल पर्पज से दिया था। और यस बैंक में कोई भी मूवमेंट आएगा मैंने आपको बोला था मैं अपडेट करूंगा, तो वो 100 आपको प्रीवियस वीडियो मेरा यस बैंक पे जाएंगे तो मैंने आपको बोला था वो रेंज पे चल रहा है 180 से 200 के रेंज में, वही रेंज है। आज 200 का रेंज ब्रेक कर किया है इसने और वहाँ क्लोजिंग भी दिया है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पे अच्छी पोजीशन मेरे को दिखती है और ये 225-245 के लिए यहाँ से आपको देखा जा सकता है। 90% मेरा चांस है कि ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। बाकी देखिए कैसा होता है मार्केट में, कुछ भी प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पर टफ नहीं है, यहाँ प्रेडिक्शन इजी दिखता है। तो वॉच एंड वेट।